नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर कसाना। आज नकुड क्षेत्र में हम लोग आए हैं और बहुत ही यहाँ का प्राचीन मंदिर है नकुलेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ के पुजारी जी हमारे साथ हैं, जानेंगे कब से ये मंदिर बना है, कितना पुराना ये मंदिर है, काफ़ी भक्त भी यहाँ पे आ रहे हैं लगातार। ये द्वापर युग में इसका निर्माण हुआ जब महाभारत का युद्ध चल रहा था और कुरुक्षेत्र में तो रणभूमि थी और यहाँ उनका पड़ाव था पांडवों का और कृष्ण जी का। यहाँ रामलीला भवन जो है ये यहाँ जमुना बहती थी, जमुना के किनारे पे ये मंदिर स्थापित हुआ और उनके द्वारा ही नकुलेश्वर महादेव की स्थापना की गई। ये जो नकुलेश्वर महादेव की शिवलिंग है इसको स्थापित नकुल जी ने किया। अच्छा, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार यही कहा था कि हे नकुल, जैसे रामेश्वरम में भगवान राम ने युद्ध विजय के लिए शिवलिंग की स्थापना की, इसी प्रकार हे नकुल आप भी यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करो। तो तब से इस नगरी का नाम नकुलेश्वर महादेव नगरी हुआ। बाद में मुगल काल भी हुआ तो इनका नाम नकुड कर दिया गया। ये पहले है ही नकुल है और बताने को तो यहाँ तक है कि पांचों पांडवों का डेरा यहाँ पर भी हुआ, लेकिन नकुलेश्वर महादेव मंदिर यानी कि नकुल के द्वारा स्थापित शिवलिंग है। आस्था लेकर के जो भी भक्त यहाँ पर आता है निश्चित तौर पर भगवान नकुलेश्वर महादेव की कृपा एवं कार्य पूरा होता है। ये लगभग देखो 50 साल है, हमारे ताऊ जी भी हैं, हमारे पिताजी भी हैं, ये भी देखते हुए आ रहे हैं। बाकी वो तो हरि जानते हैं कब का है, लेकिन काफ़ी प्राचीन है। ठीक है ना, ये देखिए आप में आकृति भी है जी, एक एक आकृति बनी हुई है। और जब ये वट वृक्ष भी था तब तो में गणेश जी की आकृति थी जी जी, लेकिन समय के अनुरूप आप कह सकते हो ये एंट्री है और सामने ही मुख्य राम दरबार है। अच्छा, ये राम दरबार जी, ठीक है ठीक है। और राम जी के जस्ट इधर शिव दरबार है। मेरा नाम है सतपाल जी शर्मा। भक्त जो आते रहते हैं कितना यहाँ? बहुत आवे जी, 300-400 आदमी तो आई जा डेली। अच्छा, तो समय खुलने का समय क्या है, किस टाइम खुलता इसका? है इसका 4 बजे खुले जी, और 12 बजे तक तो चलते रहे यहाँ तक। और फिर शाम को फिर 4 बजे शुरू है, फिर 9 बजे तक। जो भी भक्त जिन भाव से यहाँ पर आता है भगवान नकुलेश्वर महादेव परिपूर्ण करते हैं। आप देखोगे शिवलिंग के ठीक आगे के साइड में एक प्रतिमा बनी हुई है, इसको हम काल भैरव के रूप में पूजते हैं। अच्छा जी, तो ये शुरू से ही है, स्टार्ट जी जी, ये भी काफ़ी प्राचीन प्रतिमा है। ये शिवलिंग सर्वोपरि है, सबसे पहले ये शिवलिंग ही है जी जी, और उनके बाद में शिव परिवार की स्थापना, उनके बाद मंदिर का निर्माण होता चला गया। जैसे भी व्यवस्था बनी कमेटी के द्वारा, भक्तों के द्वारा जी जी, वह सब होता चला गया। ये शिवलिंग की स्थापना उस टाइम पे हुई थी जी, उसके बाद सब चीज़ें जी जी। चलिए, ये किन्हीं महाराज जी की समाधि है। अच्छा, हाँ, जो कभी पहले रहते होंगे। अच्छा, उनकी समाधि जी जी। मंदिर बहुत पौराणिक है, महाभारतकालीन है, जैसे हमारे पूर्वज बताते हुए आए हैं जी। महाभारतकालीन मंदिर है, बहुत प्राचीन है और बहुत प्रसिद्धि है इस मंदिर की। तो काफ़ी भक्तजन भी आते रहते हैं काफ़ी। ज़्यादातर जो शिवरात्रि का समय होता है उस समय काफ़ी भीड़ होती है, सावन मास में, शिवरात्रि में और जो प्रोग्राम होते हैं उसमें जी। तो मेन आस्था ये शिवलिंग की है, उसके बाद सब ये धीरे धीरे जी जी जी, जी। मेन तो महादेव मंदिर है जी। जी, जी। तो आप भी रेगुलर आते रहते हैं? आप डेली आऊँ जी सुबह शाम। तो कैसी आस्था है यहाँ की मंदिर? बहुत आस्था है जी यहाँ की, तो सिद्धपीठ मंदिर है जी तो। अच्छा, हाँ जी, और दोनों टाइम भीड़ लगती है, शिवरात्रि को जगह ही नहीं मिलती यहाँ खड़े होने की। तो काफ़ी नकुड के अलावा आसपास के गांव के लोग भी आते रहते? आसपास के भी आवे जी। हाँ, सिद्धपीठ है ना जी, तो दूर तक के आवे, बाहर तक के जो यहाँ से बाहर चले गए ना वे भी आते हैं, प्रोग्राम करते हैं यहाँ उनके जी जी। हाँ जी, ये पूरा हॉल का निर्माण 2012 से अब तक। अच्छा अच्छा, भक्तों के सहयोग से, कमेटी के प्रयास से ये कार्य निर्मित हो रहा है। 2012 के बाद ये पूरा हॉल का निर्माण किया गया, उससे पूर्व 1962 में हॉल निर्मित हुआ था। कमज़ोर होने के कारण
ये दोबारा हॉल के निर्माण की आवश्यकता और कुछ बढ़ोतरी में किया, पहले छोटा हॉल था, यहाँ तक का हॉल था, इसको फिर बढ़ाया गया। जी जी जी। और ये भगवान नारायण की प्रतिमा भी काफ़ी प्राचीन है। और उनके बाद 2017 ये निर्माण कार्य भक्तों के सहयोग कमेटी के अथक प्रयास से संभव हो रहा है। और अभी भी चल ही रहा है, आप देखोगे उधर भी चल रहा है। और मैं आपका बारंबार पुनः धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ नकुलेश्वर महादेव की पवन भूमि पर आए। आप जिस भाव में आए हैं, भगवान नकुलेश्वर महादेव आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे, आपको दोबारा बुलाएंगे, ये भी मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट नकुलेश्वर धाम महादेव मंदिर नकुड़ से। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।